और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल से 212 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है। ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीय नागरिक को इजराइल से भारत लाया गया है। जो भारतीय इजराइल से भारत वापस आना चाहते हैं उन्हें फ्लाइट में प्राथमिकता दी गई है। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ये तमाम भारतीय 212 इनकी संख्या बताई जा रही है दिल्ली पहुंच चुकी है फ्लाइट। बताया ये भी गया कि इसराइल में करीब 18,000, ये संख्या 18,000 है जो भारतीय वहां पर रहते हैं। ऐसे में जो पहला जत्था है, पहली फ्लाइट है, वो यहां पर पहुंच गई है। उनके आने का सिलसिला भी यहां पर लगातार जारी है और ये बहुत अच्छी खबर है। उनके चेहरे पर सुकून कैसा है ये भी देखा जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने जो ये शानदार कदम उठाया, शानदार पहल की है, उसकी भी सराहना जरूर करनी होगी। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, सपना और प्रियंका मेरे साथ हैं। मैं प्रियंका का पहले रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, आपको याद होगा जब 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई उसके बाद एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद हर किसी के मन में था जो वहां फंसे हुए थे कि अगर वो अब कहीं जाना चाहे, खासतौर पर भारत लौटना चाहे, तो आएंगे कैसे। लेकिन ये बहुत बड़ा कदम उठाया भारत सरकार ने और उसके बाद वतन वापसी हो गई है। क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, 7 अक्टूबर को लड़ाई होने के बाद जब ये डिसीजन लिया गया था कि 14 अक्टूबर तक एयर इंडिया की कोई फ्लाइट ना टेल अविव जाएगी ना वहां से वापस आएगी, ये सवाल सबके मन में था। लेकिन आज एयर इंडिया की ही फ्लाइट इन तमाम लोगों को सकुशल वापसी करा रही है। देखिए ये तस्वीरें आपको, ये दो अहम गेट है जिनके हम दिखा रहे हैं, जहां पर अब थोड़ी देर में, क्योंकि जैसे हमने बताया कि प्रोसेस अंदर लंबा है क्योंकि ये कोई आम वापसी नहीं है, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन से ये तमाम लोग आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री यहां पर राजीव चंद्रशेखर जो है वो अंदर मौजूद है, अलग अलग स्टेट के जो नुमाइंदे हैं वो भी अंदर मौजूद है। ये तमाम लोग जैसे ही फ्लाइट से बाहर आए हैं इनकी तमाम डिटेल्स ली जा रही है, किसका घर कहां पर है, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन को स्टेट वाइज भी लिया जा रहा है, नेशनल लेवल पे भी उसको लिया जा रहा है। और ऐसे में उसके बाद का प्रोसेस होता है कि आमतौर पर आप जाते हैं, आप बेल्ट से अपना सामान जो है, अपना लगेज जो है उसको इकट्ठा करते हैं, पर क्योंकि ये विदेश जा रहे हैं तो उसके बाद एक इमिग्रेशन प्रोसेस भी होगी। उस इमिग्रेशन प्रोसेस में इनके वीजा पर जो है एक स्टैंप लगता है कि आपका इंडिया में अराइवल हो गया। ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है जिसको कभी भी ओवरलॉग नहीं किया जा सकता, यानी कि ये प्रोसेस आपको फॉलो करना ही है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अभी भी 10-15 मिनट का समय लग सकता है। केंद्रीय मंत्री खुद अंदर मौजूद है, डिटेल्स लेने का काम चल रहा है। सकुशल वापसी इन लोगों की, तमाम लोगों की, 212 लोग बताए जा रहे हैं एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से आए हैं। और ऐसे में हर थोड़ी देर बाद जो जमावड़ा है वो इसी तरीके से, देखिए जिस तरीके से मीडिया की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मौजूद है। लेकिन अभी माना जा रहा है कि थोड़ा समय और लग सकता है। जी लवीना, ठीक है, प्रियंका बने रहिए हमारे साथ है। जब वो यहाँ पर आएंगे तमाम लोग, तो देखना होगा क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। सपना का भी मैं रुख कर लेती हूँ। सपना, हालांकि अभी तो प्रियंका ने बताया 10 से 15 मिनट का और समय लगेगा, लेकिन और भी परिवार के सदस्य तो मौजूद होंगे, अब उनका भी एक्साइटमेंट जरूर बढ़ रहा होगा, वो भी अब जल्द से जल्द अपने परिवार के सदस्य से मिलना चाहते होंगे। तो यहाँ कुछ लोगों ने आना शुरू कर दिया, उनमें से एक स्टूडेंट यहाँ पर है, मैं उनसे बातचीत करूंगी। And they are giving us like what to do and what not to do, which we are just following the instruction there. मैं चाहूँगी आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। I am Deepak Sharma. कहाँ थे आप इसराइल में फंसे हुए? इसराइल, like I live in the central part of Israel. मैं चाहूँगी थोड़ा सा हिंदी में बोले। मैं central part में रहता हूँ यहाँ। और यहाँ आकर अब कैसा लग रहा है? कैसे आपको पता चला कि ये ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, हमें इसमें पहल? We came to know yesterday. हिंदी में कल हमें पता चला ट्वीट करने के बाद, जो हमारे मिनिस्टर ने जब ट्वीट किया तब पता चला। यस, तो कैसे आपने पंजीकरण किया, ये सब कुछ हुआ? दिस वी जस्ट हैव टू रजिस्टर टू देम, हिंदी हमें एम्बेसी में रजिस्टर करना है वहाँ पे सबको। दे आस्क्ड, उन्होंने सबसे पूछा है एम्बेसी में रजिस्टर करने। इतना तनावपूर्ण माहौल था वहाँ पर, और वतन वापसी के बाद अब कैसा लग रहा है? आई डोंट नो, आई नीड सम हिंदी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सेटल डाउन होने के लिए, बिकॉज देयर इट वाज टू मच। अभी मन में दहशत या कुछ है ऐसा? यस यस, डर लग रहा है? नॉट अफ्रेड, बट लाइक हिंदी मेरे दोस्त है वहाँ पे जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। मतलब मेरे इजरायली दोस्त भी हैं जो अभी वार में हैं इस टाइम पे, तो लाइक उनको ऐसे छोड़ के आना इज नॉट इजी। क्या जो मिसाइलें चल रही थी, ये कुछ आपने ऐसा अपनी आंखों से देखा? नहीं, बमबाजी आवाज हमें सुनाई देता है क्योंकि हमें उस टाइम पे सेफ रूम में जाना रहता है, हमें केवल सुनाई देता है। तो ये दीपक को सुन रहे थे आप, कुछ और लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सभी ने एक एक करके निकलना शुरू कर दिया। ये एक और ने बहुत समय सही समय पे स्टेप लिया है वहाँ पे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, क्योंकि अगर एक या दो दिन की देरी और, तो ये एक एक करके लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। दीपक को आपने सुना, ये एक और जो है देखिए भारतीय बाहर आए हैं,
और कुछ और लोगों का आना अब शुरू हो जाएगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, जरा नसीब यहाँ की तस्वीरें आप दिखाते रहे लगातार। जैसे ही यहाँ लोग आएंगे लवीना, जैसे ही लोग लवीना आएंगे मैं आपको जरूर तस्वीर दिखाऊंगी, सुनवाऊंगी। आपने दीपक को सुना, वो एक छात्र है, वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसी तस्वीर थी वहां पर, स्थिति कैसी थी, लगातार मिसाइलें गिरना, लगातार आवाजें आना, वाकई में उनके लिए मुश्किल रहा होगा। कुछ और लोग कैसे ही सपना बने रही है हमारे साथ, प्रियंका का मैं रुक कर रही हूँ। प्रियंका जी बिल्कुल, एक और यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो नजर आ रही है और उनके बात यहाँ पर सुन लेते हैं। कैसी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छी। घर वालों से बात हुई? हाँ, बात हुई। क्या एक डर का माहौल था, डर लग रहा था कि वहाँ पर आप लोग फंसे हुए थे? मतलब इसराइल में सेफ्टी सिक्योरिटी जहाँ हम रहते हैं वो इस चीज को लेकर के तो है, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते थे और शेल्टर्स थे वहाँ पे, दूसरा आयरन डोम सिस्टम है वहाँ पे। स्ट्राइक या सायरन आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जगह पे गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन मतलब क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में कभी रहे नहीं हैं, और दूसरे लेबनान से चीज़ें स्टार्ट हुई तो हमें लगा शायद पॉलिटिकली चीज़ें कहाँ जाएँ, तो इट्स बेटर टाइम टू। आप क्या करते हो वहाँ पर? पीएचडी कर रहे हो, और आपके साथ कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी? मैनी, आई थिंक दे आर कमिंग अराउंड 200 पीपल्स आर कमिंग। सारे इंडियंस हैं? यस, ऑल आर इंडियंस। तो जब 7 अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ, कितनी दूर रहते हैं आप पहले तो कॉन्फ्लिक्ट जोन से? आई थिंक 50 to 60 kilometers। अच्छा, तो वहाँ तक आप लोगों को कुछ महसूस हुआ या इट वॉज ऑल टीवी जैसे जानकारी आपको मिली? क्या था कि फर्स्ट डे बहुत ज्यादा था, तो फर्स्ट डे लाइक फ्रॉम 6 days आई कैन नॉट स्लीप। इट्स नॉट बिकॉज कि वहाँ पे बहुत ज्यादा साइरेंस थे इसलिए नहीं, इट्स जस्ट कि न्यूज इतनी ज्यादा बॉर्डर पे थी, तो 1 or 2 साइरेंस पे ही लगता था कि शायद पता नहीं कब जाना पड़ जाए, कब क्या हो जाए। ऑल दो शेल्टर्स वगैरह थे पर मेंटली वी कैन नॉट स्लीप। अभी तो आपके चेहरे पे स्माइल है, जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक दिमाग में क्या चल रहा था? तब यही था कि पता नहीं कहीं से कुछ भी आज, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट घुस आए थे, तो वो चीज ज्यादा। अभी चेहरे पर मुस्कान और सुकून मुझे लगता है शायद इसीलिए भी है क्योंकि अब पूरी संतुष्टि है कि अब हम भारत में आ गए हैं और अब हम हमारे वतन में है, यहाँ पर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भारत सरकार ने जो शानदार कदम उठाया उसको लेकर भी यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं।